अल्लाह ताला को प्रायोरिटी पहले दिया करें इस दुनिया से, लोगों को राजी करना एंड ऑल दैट, ये एक जो है ना अपनी सेकंड प्रायोरिटी रखें। क्योंकि बहुत से लोगों को तजर्बात भी हो जाते हैं बट फिर भी वो इसी में स्टक रहते हैं, ये जानते हुए कि अल्लाह को अगर आप फुल फुल एफर्ट दें तो वो आपको कभी नाकाम नहीं करेगा। सो इट्स माई एक्सपीरियंस नाउ एंड आई एम जस्ट स्ट्राइविंग फॉर इट, के नाउ आई डेलीगेट ऑल माई अफेयर्स टू अल्लाह एंड आई नो इंशाल्लाह ही विल गिव मी सक्सेस एंड आई नेवर बी फेल इंशाल्लाह। और हाँ, अगर कोई मुश्किल वक्त आता है तो आई नो दिस इज़ बेटर फॉर मी। सो मेक श्योर के दुनिया के बजाय गिव प्रायोरिटी टू योर लॉर्ड एंड योर सेल्फ, बूस्ट योर सेल्फ, बूस्ट योर ईमान, बूस्ट योर मेंटल हेल्थ, गिव योर सेल्फ काम, जस्ट फॉरगेट ऑल द पीपल्स हु हर्ट यू एंड ऑल दैट, दुनिया को छोड़ दें, ठीक है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊँ, हम लोग बहुत नाजुक हैं इंसान, हम लोग बहुत जल्दी चीज़ों को लेकर परेशान हो जाते हैं, या कोई कुछ बुरा करते तो हम परेशान होते हैं, ऐसा लगता है जिंदगी ख़त्म हो गया। बट नो वे, अल्लाह ताला ने जिंदगी जीने के लिए दिया और उसका कोई मकसद है, तो जिए इसे। अगर कुछ हुआ है तो इट्स ओके, हेल्प फॉर यू, ओके। आई जस्ट थिंक कि कुछ गलत हुआ है ना तो आप समझा करें कि वो बेहतर था, तो नाउ इट्स हेल्प फॉर मी, ठीक है। आई एम जस्ट लाइक दैट। तो अल्लाह ताला कभी भी इंसान की एफर्ट देखते हुए उसे फेल नहीं करता, लेकिन मुशक्कत करें तो सही ना, इस दुनिया के लिए नहीं अल्लाह ताला के लिए। पुट योर ऑल ट्रस्ट इन अल्लाह एंड सब मामला अपने अल्लाह पर छोड़ दें, जस्ट स्टे काम एंड मेक योर सेल्फ लाइक अ स्ट्रांग पर्सन एंड गिव योर सेल्फ टाइम, गिव योर सोल अ टाइम, अपने सोल को कोशिश किया करें प्योर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, अज़्कार से, तस्बीहात से, नवाफिल से, और अपने आप को टाइम दिया करें, गिव टाइम टू योर सेल्फ ऑल्सो, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, अपने आप को भी टाइम ज़रूर देना चाहिए ज़िंदगी के अंदर। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि बस ऐसे ज़िंदगी गुजार दो, ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए जिसका कोई मकसद हो। और इंशाल्लाह आई बिलीव कि जब आप अपने सब मामला अल्लाह पर छोड़ देते और किसी चीज़ की टेंशन नहीं देते, अल्लाह ताला को हर हर उस जगह से नेमत देते हैं जहाँ से आप कभी सोच भी नहीं सकते। ओके, सो पुट एफर्ट एंड इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेसफुल।